डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हवाले से काफी सारी बातें कही जा रही हैं। कोई ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के दाने पे आ खड़ी हुई है, तो कोई ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा एलसीज को ना खुलने की सूरत हाल है और हजारों की तादाद में जो कंटेनर्स कराची के पोर्ट्स पे आके खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शायद पाकिस्तान माशी तौर पे टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। कंटेनर्स की जो पोजीशन है उसमें बहुत बड़ी तादाद ये कही जा सकती है कि रॉ मटेरियल और अजनास वो चीजें हैं जो कि आम तौर पे डेली रूटीन में यूज होती हैं और खाने पीने से ताल्लुक रखती हैं, जिसमें पेरिशेबल आइटम की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और वक्त गुजरते साथ वो तमाम तर चीजें खराब हो सकती हैं, गल सड़ सकती हैं और जो उनके अफादियत है, जो उनका इस्तेमाल है वो खराब हो सकता है। आज प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत के ऊपर तस्करा करेंगे और पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल जिस तरह बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है उसके ऊपर क्या मामला है उसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं वहीद पंजवानी साहब, प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के। गुफ्तगु का आगाज वहीद भाई आपसे करते हैं, पहले तो आपको वेलकम कर देंगे शो पर। शुक्रिया वहीद भाई। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर हम देखें, एक मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, तो इस वक्त जो आदाद शुमार नजर आते हैं वो पॉजिटिव तो नहीं है किसी भी तौर पे, बट ये अलार्मिंग भी है। देखिए अलार्मिंग जब होगी जब हम इसको फील करेंगे, इस वक्त हम इसको फील ही नहीं करें कि अलार्म बजा है। अलार्म बज चुका है, अलार्म बज चुका है जी। और इस वक्त इख्तलाफात मुखालफत ये साइड में रखते हुए हमें इस वक्त एज अ नेशन हमें रिकंसिलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और जब ये मुल्क वजूद में आया ये किसी रुपए से नहीं आया था, ये जज्बे से कम्युनिटी बिल्डिंग से आया था। उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन मुल्क बना। हमने ब्रिटिशों को पैसे नहीं दिए थे, इंडिया से हमने ख़रीदा नहीं था, आज़ाद हुए थे। आज़ाद होने के बाद इतने सेंस और इतनी ग्लोबलाइजेशन, आज हम इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब वो चाबी वाली गाड़ी चलाने के मूड में बैठे हुए। जब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जो ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, उसे सेमिनार की हद तक है, प्रैक्टिकली हम एजुकेट होने को तैयार नहीं है। अब मैं माजरत के साथ हम की बात है या उन अशराफिया की जो मुल्क में हुक्मरानी करते हैं? नहीं, मैं इस वक्त ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ना ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। मुल्क उनसे नहीं चलता, मुल्क मईशत से चलता है। अभी मईशत की बात हो रही है तो इस वक्त जो कारोबारी हल्का है वो क्यों देख रहा है पॉलिटिकल साइड को, वो रिफॉर्मेशन क्यों नहीं ला रहा अपनी? हम क्यों वेट कर रहे हैं कि कोई वजीर खजाना आएगा या कोई IMF के एक्सपर्ट्स आएंगे या कोई हमारे एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक आएंगे, वो हमें क्यों सिखाएंगे? हमारा मसला जब हमें पता ही नहीं है कि पेट में दर्द है या सर में दर्द है, तो इलाज कौन करेगा? हमारा इलाज हमें खुद निकालना है। सही, और इलाज मौजूद है, और ये इलाज मौजूद है। होने से पहले ये बताएं, आपने कहा कि IMF नहीं निकालेगा, कोई और नहीं निकालेगा, हमें खुद निकालना होगा, लेकिन हमें इस्तेमाल कौन करेगा, हमें यूटिलाइज कौन करेगा, हमारी जो ताकत है, हमारी जो कुव्वत है, उसको चैनलाइज कौन करेगा? वो तो एक हुकूमत करेगी ना। नहीं नहीं, हुकूमत क्यों करेगी? मुझे ये बताएं, हुकूमत से तो आप अपने लीगल पैरामीटर्स पे काम करने की बात करते हैं, हुकूमत आपको रोकती तो नहीं काम करने से। आपका कंटेनर लैंड हुआ है, हुकूमत ने तो नहीं रोका, शिपिंग लाइन ने भी नहीं रोका, शिप ने भी नहीं रोका, ओवरसीज से यहाँ तक पहुँच गया। अगर ट्रेडर का कंटेनर यहाँ रुक के आके फंस रहा है तो समवेयर ये लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जो न्यू एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल्स बिल आ रहे हैं, दुनिया बदल गई है, हम 1860 की वो मैनुअल बुक से बाहर नहीं आना चाह रहे। अगर इसमें आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे ये बताएं, ये जो माजी की बात करूं, क्या कंटेनर्स की जो पोजीशन पोर्ट्स पे आज मौजूद है माजी में भी इसी तरीके से रही है या आज कुछ अनोखी चीज होती है नजर आ रही है? ये होता रहा है, होता भी है, होगा भी। जब कोई तब्दीली है, बिगड़ है ना उसके साथ भाई, ये हम अटेंड नहीं कर रहे। जब तक हम उस मसले को अटेंड नहीं करेंगे, मसाल कैसे होगा? अगर आप और मैं उसको अटेंड नहीं करेंगे, मेरे यहाँ बोलने से या आपके मेरे बुलाने से, ये अटेंड ना करने से, जब तक हम उस मसले को अटेंड नहीं करेंगे तो आपका डैमेज तो बढ़ता रहेगा। अटेंड कौन कर रहा है? अभी इस पर एक सियासी बहस शुरू हो जाएगी, फिर पोर्ट से प्रेशर पड़ जाएगा, फिर हमसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं छोड़े जा रहे। मेरा ताल्लुक पोर्ट एंड शिपिंग से ही है, आपको पता है। हम ये कह रहे हैं जिनका मसला है वो अपने मसले को तो असेस करें कि मसला आ क्यों रहा है, मसला क्यों आ रहा है, क्योंकि हैंडलिंग का इशू नहीं है। लेकिन वो केसेस नहीं खुल रही है, तासुर तो ये है ना कि पाकिस्तान का डॉलर नहीं है और इस वजह से आपका कंट्री लैंड कैसे कर गया? मेरा सवाल ये, अगर आप केसेस नहीं खुल रही थी तो व्हाई द कंट्री लैंडेड इन पाकिस्तान विदाउट इजाजत? किसने दी इजाजत? किसने शिपिंग लाइन ने उसको लोड कैसे किया? पहला सवाल तो मेरा यही है, आप मुझे इस बात पर जवाब दिला दें।
इसको किस सिस्टम ने इसको अलाउ किया, किस प्रोसीजर ने शिपिंग लाइन को इसको अलाउ किया। आप एक एक्सपोर्ट करके दिखाते हैं यूएस, आपके पास क्लियरेंस ना हो जब तक, IC3 ना हो, मतलब प्लानिंग का फुकदान था ना इसका मतलब। तो ये देखिए, हम दुनिया की कंप्लायंस को तो पूरा करने में पाकिस्तान मोस्ट ऑबिडियंट और नंबर वन है। हम करते हैं हमारा रेटिंग पे, अगर आप इंटरनेशनल कंप्लायंस की बात, एक्सपोर्ट के मामले में तो पाकिस्तान इज वे अहेड। अगर आप कंपेयर करें इंडिया से, बांग्लादेश, हम बहुत अहेड हैं उनसे, इस पे कोई शक नहीं है। हमने तो उस तजर्बे में अपना वक्त गुजारा हुआ है, लेकिन इम्पोर्ट की कंप्लायंस नहीं बनी हमारी। और क्यों नहीं बनी? तो ये तो ट्रेड इम्पोर्ट पाकिस्तान में जो आ रही है, बड़ा मेजर इशू है। देखिए, इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, हमेशा रहेगा इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, तो इसके इम्पोर्ट की जो बॉडीज हैं या इम्पोर्ट के जो इम्पोर्टर्स हैं, लेकिन सवाल तो ये है ना, हम जानते हैं हमारा मुल्क इम्पोर्ट बेस है, हम ये जानते हैं कि हमारा रुपया तेजी से कदर खो रहा है, हमें एक ऐसा रिफॉर्म तो करना होगा ना, कानूनी पहलुओं को भी देखना होगा, कानूनी इस वक्त मसला नहीं है, कानूनी हमें कोई चीज की सख्ती नहीं है। जो पैरामीटर, कोई इलीगल प्रोडक्ट तो नहीं आ रही ना, बिल्कुल आपका कार्गो बुक हुआ, आपका लैंड हुआ, वहां से लोड भी हुआ, चाइना से, ताइवान से, थाईलैंड से, सब जगह से लोड हो गया आ रहा है, बिल्कुल सही है। इट मींस ये वो लीगल है तो उन्होंने लोड किया ना, बिल्कुल सही। प्रॉब्लम क्या है? आपका डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक प्रॉब्लम का मतलब है ट्रेडर एजुकेट नहीं है, ना वो एजुकेट होना चाह रहा है। बट देखिए आप, मार्केट के साथ ट्रेडर एजुकेट होना नहीं चाह रहा, नए जदीद दौर में जो नई डॉक्यूमेंटेशन है उस पर उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं थी तो व्हाई यू ऑर्डर दिस गुड्स? आपको ट्रेडर को पता था कि अवेलेबिलिटी है या नहीं? ट्रेडर एजुकेट नहीं है, पता तो ट्रेडर को एजुकेट और अवेयर कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जिम्मेदारी एसोसिएशन की जिम्मेदारी है, इस पे रिफॉर्मेशन कराया जाए, उनको बताया जाए। अगर वो जितनी भी कंपनियां हैं, दे आर ऑल कॉर्पोरेट, तो अगर आप यूं कहेंगे तो फिर मैं कह दूंगा। अच्छा, एक चीज और, दुनिया भर में कोई भी बिजनेस किया जाता है फोरकास्ट किया जाता है जी। पाकिस्तान में फोरकास्टिंग का तो मेरे ख्याल से कोई तस्वीर भी नहीं है शायद उस लिहाज से। आज अगर हमारे ट्रेडर को इस बात बताई जाती कि आज से 3 माह बाद या 6 माह बाद सूरत आल इस हद तक पहुंच सके, गवर्नमेंट बताती है, आप ये कहो गवर्नमेंट, तो फिर हमारा ट्रेडर फिर जान के ओवर बाइंग कर रहा है इंटरनेशनली? समाओ देखें, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक पोर्ट ऑपरेटर हूँ, बिल्कुल सही, मेरा बिजनेस है, मैं सर्विस बिजनेस में, लेकिन जो ये इश्यूज आ रहे हैं, जो चीज आप इसको हमसे ना करवाएं, इंटरनेशनली असेस करवा लें, ट्रेडर फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है, कस्टम का फेलियर नहीं है, शिपिंग लाइन का फेलियर नहीं है, पोर्ट का फेलियर नहीं है, दिस ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू देयर ऑन शोर। आप देखें, आप गाड़ी मारो, एक्सीडेंट करो, तो मैं कैसे बोलूंगा आप होंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इसको जो ट्रेडर सुन रहा है, हमारा प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, ट्रेडर सुन रहा होगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बिल्कुल हमने तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है ना। देखें, उनका भी पैसा लगा हुआ है, उनका कारोबार है, उनको थोड़ा सा जो है ना, रात की चाय छोड़ के सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा, माजत के साथ, रात को बैठ के कारोबार नहीं होते, अपने काम पे ध्यान दें। ये ट्रेडर सुबह 8 बजे जो पोर्ट से क्लियर कराता था कारोबार, दोपहर 2 बजे उठ के आते हुए पूछ लें, आप ये प्रैक्टिस हो गई है? बिल्कुल, वो बात बिल्कुल सही। तो आप अपनी अपनी पैसों के ऊपर या अपनी कारोबार के ऊपर आप अटेंड नहीं करोगे, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालेंगे, तो ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। हम स्टेट बैंक को रोते रहेंगे, हम कस्टम को रोते रहेंगे, पोर्ट को रोते रहेंगे, ये मसला वहां का नहीं है, मसला इनका अपना है, इनकी। अच्छा, बगैर आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो आपने कहाँ बुलाया? अपने लोकेशन पे बुलाया, आपका सेटअप है ना, बिल्कुल, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बताना, यू वेल अवेयर योर बिजनेस, यू वेल अवेयर योर सेटअप, फिर आप ये काम कर रहे हो, बिल्कुल सही। इतना बड़ा ट्रेडर इतनी वॉल्यूम में जब वो इंपोर्ट कर रहा है, उसका इतना पैसा लगा हुआ है, मार्केट पे उसकी कमिटमेंट है, तो वो अपनी एजुकेशन क्यों नहीं अपडेट कर रहा, नई थ्योरी के ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन अगर आप इस चीज को, एक बात बताए ना, अगर एक ट्रेडर ने माल मंगाया, गवर्नमेंट जानती थी, गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया, अप्रूव किया, गवर्नमेंट अलाउ नहीं किया, गवर्नमेंट आप क्या, मैंने आपको एक बात करी, एक कंप्लायंस ऑफ एक्सपोर्ट का एक लॉ बन चुका है पाकिस्तान के ऊपर, तो इस वक्त तक वो लॉ अमेरिकन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, ईयू ने नहीं बनाया, वहां के ट्रेडर्स ने बनाया, बिल्कुल सही, वहां के भी तो चैंबर। आज अगर मुझे पाकिस्तान में कुछ चीज इंपोर्ट करनी हो, मैं कुछ मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, मैं आपको इंपोर्ट, हम तो कॉमर्स से रिलेटेड, हम तो गेटवे पे बैठे हैं, हमारा ये कहना है जब आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो किसी भी दुनिया में, बिल्कुल सही, तो वहां के SOPs या वहां के स्टैंडर्ड्स जो हैं उस इंपोर्ट रखें, वहाँ की चैम्बर तो फेडरेशन बनाती, वहाँ की गवर्नमेंट नहीं बनाती, वो कहते हैं आप भेजोगे तो आपके ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, एग्जामिन होके आना चाहिए, इंस्पेक्शन कंपनीज होने चाहिए, उस पर सर्वे होना चाहिए, सही है ना? ये आपको बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सपोर्टर्स उसको फॉलो करते हैं, बिल्कुल सही है, इस पर हम रिनॉन इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। तो इस चीज को जब हमारा इंपोर्टर यहाँ है जो वहाँ के एक्सपोर्टर है, उसको आपने इतना फ्रीडम क्यों दिया हुआ है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ जो अगर इंपोर्ट हो रहा है तो उसको तो अपने लोग कर रहे हैं ना इंपोर्ट, अपने लोग क्यों स्टैंडर्ड नहीं कर रहे? हमारा ये तो सवाल है, जब भी तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसी मॉडल को
उसी थ्योरी को यहाँ अप्लाई कर लें, आपके मसले खत्म हो जाएंगे, ना बैंक को इशू आएगा, ना पॉलिटिकल पार्टीज को इशू आएगा, ना आपके कस्टम्स इंपोर्ट को ही मसले आएंगे। आप एजुकेट तो करो ना, मैं अगेन वही कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे फिर मेरा सवाल फिर वहीं पे होगा, मुझे ये बात बताएं, एज इंपोर्टर अगर मैं मुल्क के लिए कोई चीज इंपोर्ट करता हूँ, मेरा कोई बिजनेस है, या मुझे लगता है कि आज से चार माह बाद या तीन माह बाद, हमें पता है कि एक जो जर्नी होती है चाइना से जो शिपमेंट आती है वो कम से कम तीन माह तक उसको लगते हैं। अब वो जो शिपमेंट पाकिस्तान आ रही है और जो मैंने ऑर्डर की तीन माह पहले, चार माह पहले, आज चार माह बाद मेरे पास ये सिचुएशन हो कि मुल्क में डॉलर की कमी हो और बैंक मेरी एलसी खोलने के लिए तैयार नहीं हो, यहां भी ट्रेडर गलत होगा? इसका एक सिंपल जवाब, एक वो इंपोर्ट है जो सपोर्ट ऑफ इकोनॉमी, वो एक कंटेनर या दो कंटेनर पे नहीं है, वो एक साल के कॉन्ट्रैक्ट, पांच पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही है, उन्होंने पूरी पूरी वहां पे प्रोडक्शन ली हुई है रॉ मटेरियल की, जो यहाँ पे जिन्होंने फिनिश करना है उनको आप साइड में करें एक मिनट के लिए, जो बीच का ट्रेडर है ना, जिसके मैं बार बार कह रहा हूँ एजुकेशन की जरूरत है, उनका क्राइटेरिया अलग किया जाए, जो लिस्टेड लोग हैं और अनलिस्टेड लोग हैं जो सीजन ला के इन्वेस्ट करके टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका क्राइटेरिया अलग किया जाए कस्टमर। अच्छा, वो जो कस्टमर है जो पेरिशेबल आइटम इंपोर्ट कर रहा है, जो खाने पीने के अजनास इंपोर्ट कर रहा है, एक सीड्स इंपोर्ट कर रहा है, ये रेगुलर इंपोर्टर है, वो रेगुलर इंपोर्ट, आज तो वो भी रुकी हुई है ना, 417 से ज्यादा कंटेनर्स जो कराची पोर्ट पे खड़े हैं। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ, एक रेगुलर इंपोर्टर जो जरूरत है हमारी इकोनॉमी के लिए, बिल्कुल हमारी मार्केट के लिए, उनको क्लासिफाइड किया जाए, उनका टैरिफ, और वो कौन करेगा क्लासिफाइड? ट्रेडिंग करेगी, ट्रेडिंग तो एजुकेट करेगी, जो करेंगे वही गवर्नमेंट फॉलो करेगी ना, गवर्नमेंट तो मना नहीं कर रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि चेंबर्स को ये एक एसओपी डिजाइन करना होगा और गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट कराना होगा। एक जो है सीजनल, मैं गया पाकिस्तान से बाहर, मुझे कोई चीज नजर आ गई, मैंने आउटराइट कोई 10 कंटेनर बाय कर ली, बिल्कुल सही, अननेसेसरी जो मुझे जरूरत है मैं खरीद लेता हूँ, मना तो नहीं कर रही गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, वो इम्पोर्ट आ जाती, बैन तो कुछ भी नहीं है, सही, या तो आप आईटीबी को बैन कर दो, अगर आप बैन करोगे तो बहुत सारे मसले खड़े हो जाते हैं, इंटरनेशनल उसके इश्यूज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप बंद भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, जो आपका आईटीबी टेबल रजिस्टर्ड हो गया है आपके इंपोर्ट्स में, वो तो आपका अलाउ है ना, बिल्कुल सही है। तो इसका तरीका है जैसे आईटीबी टेबल बनाए, इस तरह इंपोर्ट टेबल बनाया जाए, क्लासिफाइड इंपोर्ट उसको अलग किया जाए, रॉ मटेरियल को अलग। सवाल वही, ये फिर चेंबर्स की जिम्मेदारी होगी, और अगर चेंबर्स अपनी जिम्मेदारी चल तस्लीम कर लेते हैं, चेंबर जो इंपोर्ट है चेंबर्स को डिजाइन करें, चेंबर डिजाइन करना चाहिए, इंपोर्ट्स इंपोर्ट गवर्नमेंट को सजेशन देनी चाहिए, जो रेगुलर जो डिपेंडेंट, गवर्नमेंट का तो रोल आना चाहिए ना इसके ऊपर। आज मुझे बताएं, आज से सुरक्षा कौन सफर करेगा? आज लोगों को उनकी चीज नहीं मिली, एक आम सारिफ मुतासर हो रहा है, तो गवर्नमेंट का रोल तो यहाँ पे होना चाहिए। कैसे करेगी गवर्नमेंट? रेगुलराइज करेगी किस बात पे? सर गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास आज से तीन माह बाद या चार माह बाद डॉलर्स नहीं है तो गवर्नमेंट अपनी इंपोर्टर्स को रोकेगी या इंपोर्टर्स को कोई क्लासिफिकेशन देगी? जिस तरह डॉलर ड्रेन कौन कर रहा है आपके मुल्क का? डॉलर ड्रेन कौन कर रहा है? इंपोर्टर। ट्रू, सही, वन ऑफ द रीजंस, बिग रीजन है, बिग रीजन, चले ये सबको पता है, पर डॉलर की स्मगलिंग भी है ना, फिर तो एक फैक्टर नहीं जा रहा, लेकिन एक ये बड़ा मेजर फैक्टर है। तो मेरा कहना ये है कि इस वक्त भी सीरियस होना चाहिए, इतना बदनाम नहीं करना चाहिए इस मुल्क को, ट्रेडर रिपोर्टेड बने, चैनलाइज करें इसको, अंडरस्टैंड करें, इसके ऊपर सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, कौन सी इम्पोर्ट्स ऐसी हैं जो उसकी क्लासीफाइड की जाए, जो ग्रीन चैनल का मतलब है, ग्रीन चैनल बना था तो ग्रीन चैनल को सबके लिए ना खोला जाए, ग्रीन चैनल एक वर्ड यूज हुआ जो इजी कार्गो एक्सेस, आप बात करोगे वीबॉक के पोर्टल का, मैं उस टीम का मेंबर हूँ, बिल्कुल सही, उससे बड़ी मेहनत हुई एक टाइम पे, मैं उस गवर्नमेंट का नाम लूंगा तो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, जिस वक्त वो हुआ था, तो बड़ी मेहनत हुई उस पर, मेरे टाइम सेक्टर में बड़ी मेहनत हुई, कॉमर्स इंडस्ट्री में बड़ी मेहनत हुई, उस ग्रीन चैनल को एक जोड़े बाजार की जनरल इम्पोर्ट को भी ग्रीन चैनल में डाल दिया, क्यों और ये किसे डाला? तो आप आपके पैरामीटर ही सेट नहीं हुए, पैरामीटर सेट नहीं, करने पड़ेंगे और पैरामीटर सेट करने जो जरूरियात की चीज है ना, उसका स्लॉट अलग हो जाए, इनके स्लॉट अलग हो जाए, बट मीन टाइम जो अलग अगर अभी एक बड़ी तादाद होता है, आप एक, अब मैं आपको मिसाल दूं, आप बोलते सोयाबीन आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी फूड इंडस्ट्री और आपका घर इफेक्ट हो रहा है, ये संगे और वो मटेरियल जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही, यही कह रहे ना, उसको आने में टाइम लगता है, सही, उसके ऑर्डर प्लेसिंग करना, उसकी प्रॉपर, आपने बताया 3 से 4 माह लगते हैं, देखें वो एक रजिस्टर्ड और ए कैटेगरी आइटम्स, बिल्कुल सही, वो इंपोर्ट होने में टाइम लगता है, उसके डॉलर उससे प्रोजेक्ट के होते हैं, 15 दिन में जो एक जंप मिलता है कहीं, 8-10 ट्रेडर देखते यार ये तो लॉट्स मिल रही, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो आपका फंड वो इफेक्ट कर गया जो जिसने प्रोजेक्ट, वही सब आपकी जो मैं बात समझू,
इस पे ओवरऑल मुझे ट्रेडर लग रहा है जो कि सारे मामलात को उलझा के रखा है। सब ट्रेडर ही है, सब ट्रेडर कर रहा है। और तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का कोई इसमें किरदार नहीं है। गवर्नमेंट में ट्रेड कंट्रोल अथॉरिटी नहीं बनी आती, टैरिफ कंट्रोल अथॉरिटी पाकिस्तान गवर्नमेंट को बनानी चाहिए थी ना। इतने हमारे पास तजुर्बाकार वजीर खजाना मौजूद है, तजुर्बाकार हुकूमत मौजूद है, ये तो हो सकता था। सर आप जिम्मेदारियां ना डालें, बना लें सर। अगर नहीं बनी तो एंड जिम्मेदार कौन है? मैं अगर एक तारीफ के तौर पर मैं कह रहा हूँ, मेरा सजेशन है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बननी चाहिए। मैं सजेशन दे रहा हूँ वेद भाई, मुझे ब्रेक लेनी क्योंकि इसके ऊपर मैं चाहूंगा तफसील। ये कोई एक इतना कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं, रिपेयरेबल है, रिपेयरेबल है। और इसको इसको ऐसा कोई इशू नहीं कि इसको इतना बड़ा इशू बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है, मुझे 400 कंटेनर का कोई मुल्क नहीं है, बहुत ज्यादा सही है। जब कतर इतना बड़ा ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, 200 बिलियन डॉलर का जब फुटबॉल खिला सकता है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 400 मिलियन डॉलर हमारे लिए। हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा इसके हल की तरफ बात करेंगे। और इस वक्त जो एक कैओस पैदा हुआ है, हम देख रहे हैं कि एक बॉटलनेक क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बॉटलनेक को अगर रिजॉल्व करना है तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल के ऊपर तस्करा हो रहा है। इस वक्त पोर्ट्स की जो पोजीशन है उसमें कहा जा सकता है कि इस वक्त कमोबेश कराची के जो दो पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम की बात करें तो यहां पे इस वक्त 1000 से ज्यादा कंटेनर स्टक हुए नजर आते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद इसमें पेरिशेबल आइटम की है, यानी कि वो माल जो कि अगर टाइमली क्लियर ना हुआ तो वो खराब हो सकता है और उससे अरबों रुपए का जो माल है वो जाया हो सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा मसला यह है कि इंपोर्टर्स अपनी एलसीज नहीं खुलवा पा रहे, बैंक्स के पास फंड्स की जो कमी है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। और आज इस वक्त की जो आदाद शुमार की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो 7 बिलियन डॉलर से भी कम रह गए। यकीनी तौर पे सूरत हाल अलार्मिंग है। वही साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम जरा इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, अब मुझे बताएं ये जो सूरत हाल है इसका कोई हल होगा? क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसपे हम बात करते हैं कि माशी क्राइसिस हमें नजर आता है, हम हर कुछ अरसे के बाद ये देखते हैं कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 2 साल या 5 साल या 10 साल या 20 साल की सतह से भी नीचे आ चुके हैं। ऐसे मुल्क में क्या कुछ किया जा सकता है ताकि ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना हो? क्योंकि आज दुनिया भर की बड़ी न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसी इस सिचुएशन को कोट कर रही है और ये दुनिया भर में तासुर दे रहा है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता माली तौर पर बैंकरप्ट हो रहा है या डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। डिफॉल्ट जो है ना, एक वर्ड जो है वो मुल्क पे नहीं हो रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा। पाकिस्तान तासुर तो यही जाता है सर, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा, हम पाकिस्तानी डिफॉल्ट। बिल्कुल सही है, मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, हमारी नालायकी हमें डिफॉल्ट कर रही है, हम डिफॉल्ट हो रहे, हम अपने एग्जाम में फेल हो गए, हम अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ कंट्री डिफॉल्ट, इट्स वी डिफॉल्ट। सही, ठीक है ना। हम सो कॉल्ड, मैं अपनी बात करूँ, मैं सबकी बात करूँ, हम एक कम्युनिटी के अंदर एक आदमी सक्सेस हो गया, वो सिर्फ मैं सक्सेस हो गया, मुल्क सक्सेस ना हो। हम जब मुल्क को सक्सेस करने के लिए सर जोड़ के साथ साथ चलें तो मुल्क कामयाब हो जाए। मुल्क की तरफ कोई देख नहीं रहा, हर ट्रेडर अपनी मार्केट को देख रहा है। अगर आप पेरिशेबल मार्केट हो गए तो वो अपने अपनी मार्केट को देख रहे हैं, लग्जरी मार्केट वाले इम्पोर्टर कहेंगे वो अपना देख रहे हैं, रॉ मटेरियल वो अपनी बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये, कंटेनर लैंड कैसे कर गया? सर ये सवाल आपका जवाब जवाब देंगे ना, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, उसकी कोई पैरामीटर्स ही नहीं है। एक कंटेनर वहाँ से निकला कैसे, अब एलसी नहीं तो लैंड कैसे कर गया? ये 4 महीने पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4 महीने बाद, 4 महीने की बात नहीं हो रही, आज लैंड हो चुका है वो। हाँ। तो लैंड होने के बाद एलसी की बात क्यों हो रही? जस्ट ये तो पहले होनी चाहिए थी। एलसी के बगैर कंटेनर लैंड कैसे कर गया? बगैर पेमेंट वहाँ से कंटेनर कैसे निकला, किस गारंटी पर निकला? अब ट्रेडर को तो कंटेनर देना है कि गवर्नमेंट स्टेट बैंक जाने, और वो स्टेट बैंक का इसमें क्या किरदार हो सकता है? इसको तो एक रिसर्च की जरूरत है। ये पॉसिबल नहीं है कि कंटेनर पोर्ट पे लैंड है पाकिस्तान, अगर वो सिंगापुर एलसीसी डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल सही करें, जब अगर ये सिंगापुर या मलेशिया के एग्जीक्यूट की जा रही होती तब डॉक्यूमेंट सही आती होती। आप इम्पोर्टर हो पाकिस्तान में, मैं एक्सपोर्टर हूँ मलेशिया से, मैंने कंटेनर पोर्ट पे दे दिए तो मेरी बीएल इनकेश हो जाती है, बिल्कुल यहाँ होती है। हाँ ऐसे ही है ना, बिल्कुल सही है, जहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है वहीं पे बीएल आपका तैयार हो रहा है। कंटेनर पहुंचा कैसे?
सर ये तो फिर आप ये बात कह रहे हैं कि लेकिन अगर आपकी मैं इस बात को बिल्कुल जो आप बात भी सही कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन को समझूं तो आज के एक माह बाद जो कंटेनर लैंड होगा या दो माह बाद या तीन माह बाद वो और ज्यादा खराब सूरत हाल बनेगी। अगर आप मुझसे पूछे तो रोक देना चाहिए। कैसे लाइन को लिफ्टिंग ऑफ कंटेनर दुनिया में जहां भी पड़ा वहीं रोक देना चाहिए, बजाय कि हम अपने ऊपर बदनामी लें। लेकिन आपने पॉइंट बहुत टेक्निकली सही उठाया। कैसे अगर मैं कोई चीज इंपोर्ट कर रहा हूं, जस्ट सपोज दुबई से अगर मैंने आप हमें उनके जिनके इंपोर्ट्स है ना उनके पेपर असेस करवा लें, हाउ दे इंपोर्ट। फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात करते हो इस मुल्क में, एफएटीएफ की भी बात करते हो, हाउ कंट्री आ रहा है विदाउट पेमेंट। बिल्कुल सही है। तो ये और क्योंकि इज नॉट अ मैलाफाइड डॉक्यूमेंटेशन कैसा है? मैं चाहूंगा ये जो बात आप कह रहे हैं ना थोड़ा सा आसान लफ्जों में हम नाज़रीन को भी बता के चले, क्योंकि जब कोई कंटेनर इंपोर्ट किया जाता है, मैं पूरी ट्रेड को नहीं कह रहा हूं, चंद तबका बिल्कुल मैं पाकिस्तानियों पूरी को नहीं कह रहा हूं, मैं मेरी बात को कोड अनकोड किया जाए, मैं ये कह रहा हूं ये कंटेनर लैंड कैसे कर, कौन लोग हैं इस हालत में, पाकिस्तान को प्रॉब्लम में क्यों डाला जा रहा है? मैं अगर सही हूं प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब कोई कंटेनर इंपोर्ट के लिए दूसरे मुल्क के पोर्ट से जब उसकी शिपमेंट तैयार की जा रही होती है तब बिल इशू होता है और तब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो रहे होते हैं। तो बैंक ने कैसे रिलीज किया बिल? तो इसका मतलब ये जो खराबी है आज की नहीं, ये पिछले दो या तीन माह पहले। अगर आप मुझसे उस पे जाएंगे तो इस इनको सबको छोड़, अगर आपको इंटरनेशनल फेस की बात हो रही है, इन सारे कंटेनरों को जिस बैंक के थ्रू आए उन बैंक को पेनलाइज किया जाए, हाउ यू एक्सपोर्ट दिस कंटेनर टू आवर कंट्री, वो कौन से डॉक्यूमेंट आपने वहां से रिलीज किए? उन कंट्रियों में भी इन्होंने फ्रॉड किया। और अगर ये फ्रॉड है मुनीर, आप खुले अल्फाज में सुनोगे उस मुल्क में भी फ्रॉड है, हमारे मुल्क में भी फ्रॉड नहीं, वहां से रिलीज कैसे? मुझे एक बात बताएं, वहां से रिलीज कैसे हुआ? उनके बैंकों ने भी तो फ्रॉड किया ना, हमारे बैंक को डैमेज करने, तो उन बैंकों से पूछा जाए कि वहां से कैसे कंटेनर रिलीज किया उन्होंने पोर्ट से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, मुझे ये बताया ना आप जो बात कह रहे हैं कि यहाँ पे उस बैंक ने किसी ना किसी तौर पे तो किसी बैंक दी होगी ना, किसी बैंक ने उसको अंडरटेक तो किया है ना डॉक्यूमेंट, वो बैंक की डिटेल्स यहाँ के बैंकों से पूछा जाए कि उस बैंक ने कैसे रिलीज किया उसको, हाउ? तो इसका मतलब पूछा जाए कि तुम्हारे लाइसेंस है यहाँ के, आपने लाइसेंस अंडरटेक किया हुआ है, हाउ यू लोड द कंटेनर फॉर पाकिस्तान पोर्ट, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, हु लोड द कंटेनर? अगर मैं इस बात को सही समझूं, पेट्रोटेक की बात करोगे तो पाकिस्तान का फेस तो बहुत अप है, हम तो किसी के मुल्क में ये गंद नहीं डालते कि यहाँ से बगे पेपर हम भेज दें, हमारी कस्टम भी यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान में मोस्टली कंटेनर्स कहाँ कहाँ से आते हैं? ये तो पूरी दुनिया से आते हैं, बट मोस्टली अगर मैं कहूँ ज्यादातर जो हमारी पोर्ट का जो दारोमदार है, इस तरह से हम नहीं चेक कर सकते, बहुत बहुत सारा है, फारिस से भी है, चाइना ईस्ट रीजन से भी है, यूरोप से भी, आप ये नहीं पता कर सकते कि टाइम टू टाइम डिफरेंट जगहों से ये इसकी रूटीन चेंज हो रही है, मोस्टली सब जगह से ही आता है, कहीं हमारी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस बात मैं मेरा से आप मेरे इस सवाल मुझे बता दें, हमारे मैंने बात मजीद खराब हो जाए, हमारा एक्सपोर्टर जो है ना वो इतनी मेहनत करता है, 1/3 पेमेंट करने के लिए अपनी एक्सपोर्ट की जोर लगा के वो डॉलर लेके आता है, बिल्कुल सही, इन डॉलर को वॉश आउट कौन कर रहा है? ये तो आसान है इस वक्त तो इस चीजों को रेकग्नाइज करने की इजाजत भी तो गवर्नमेंट दे रही है ना। नहीं सर, गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट क्यों देगी? नहीं रोक रही ना, तो गवर्नमेंट को बताएगा कोई, मैं और आप ही बताएंगे ना सर, आप आज आपने बुलाया तो ये बात निकली, आज चल बताएं गवर्नमेंट को क्या आपको अप्रिशिएट कर, मैं आज आपसे पूछूं कि वो ये इन कंटेनर को उठा के एक साइड में किया जाए, एक्सपोर्टिंग की जाए, जो फेयर उनको छोड़ दिया जाए, जो अनफेयर है यहीं से पाकिस्तान का मसला, अनफेयर कैसे हो सकता है? कैसा है वही बात आ गई, हाउ यू हाउ द कंट्री अराइव्ड इन पाकिस्तान? अच्छा अगर मैं हाउ अराइव, मेरा अच्छा मुझे अगर ये बता दें इस सूरतहाल में कितने परसेंट कंटेनर्स अनफेयर हो सकते हैं? फिर आपकी पूरी स्ट्रीक स्क्रैच हो जाएगी, मैं अंदा एक एक फ्यूजन के तौर पे जितनी दफा आपकी ये प्रॉक्सी चल रही है खुल जाएगी, प्रॉक्सी जो प्रॉक्सी प्ले कर रहे हैं वो खुल जाएंगे, मैं ओपनली बात कर रहा हूं। अच्छा आप एक बात बताओ ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क को 10 गवर्नमेंट के ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट पेनलाइज कर सकती है, गवर्नमेंट को बताया जाए, पॉलिटिकल रिफ्ट सर पोर्ट्स मेरे अंडर तो नहीं आते ना, पोर्ट्स गवर्नमेंट के अंडर आते ना? नहीं, पोर्ट्स अभी गवर्नमेंट के अंडर का ताल्लुक ही नहीं, इंपोर्ट की आईटीपी एफबीआर के अंडर में, गवर्नमेंट क्या करेगी सर? एफबीआर गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, एफबीआर क्या कर रही है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की डोमेन है ना, आपने उसको इजाजत दी हुई है ना, बनाया तो ट्रेड नहीं ना, बिल्कुल सही है। अच्छा आईटीपी के लिए लड़ता कौन है? ट्रेड, बस आपने जवाब दे दिया मुझे सर, तो ट्रेड लड़ती है तो गवर्नमेंट कौन लड़ रहा है? तो सर मुझे बताएं तो गवर्नमेंट साइड पे हट जाती है? नहीं साइड पे नहीं हटेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देखें गवर्नमेंट हमारी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो है नहीं है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, हमारे ही लोग हम जब तक आप एक सवाल उठाए, आप भी एक पाकिस्तानी मैं भी पाकिस्तानी, मैंने आपको जवाब दे दिया,
तो हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ना ये हो रहा है। अच्छा मैं दो सवाल मुझे डॉलर का इशू खत्म हो जाएगा। मुझे दो सवाल करने दें। इस तरह जब भी हमारे यहाँ एक ब्लॉकेड होता हुआ नजर आ रहा है, कंटेनर्स आए हैं वो रुके हुए हैं, पेमेंट्स हो रही है नहीं हो रही है, अब तो फिर ये सवाल ही कैसे आया, मैं रुक जाऊंगा, आए कैसे? मुझे ये समझाएं कि अगर ये चेन जो रुक रही है, ये जो ब्लॉकेड हो रहा है, बॉटल नेक क्रिएट हुआ हुआ है, इससे इंटरनेशनली क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल आ सकती है? मुझसे पूछोगे कोई मुश्किल नहीं, इंटरनेशनल इसका कोई फैक्टर नहीं है। और अगर इंटरनली बात करूं तो गवर्नमेंट के पास या स्टेट बैंक के पास क्या ऑप्शंस नजर आते हैं? मैं स्टेट बैंक की बात कर रहा हूं, स्टेट बैंक ऐसे वक्त माहौल में क्या कर सकता है? पेनलाइज करें, इन लोगों को बुलाया जाए, कैसे मंगवाए भाई कंटेनर आपने? आप डॉलर ड्रेन कर रहे हो, एक्सपोर्ट की सारी मैंने जाया करा दी, आया उस वैल्यू के कंटेनर है नहीं, क्या मंगाया? माजी में ऐसा कभी स्टेट बैंक ने किया या हुकूमतों ने किया? नहीं, क्यों नहीं किया? उसे जरूरत नहीं, इतना बड़ा स्पेंड था, इतने डॉलर का इशू नहीं था, अब इशू आया। तो माजी में अगर हुकूमत ने नहीं किया, हुकूमत खामोश रही, तो आज वजह यहां स्लोली किया गया होता रहा है, लेकिन अब इम्पैक्ट बन गया। हाँ, ये प्रॉक्सी अब, और अगर ये इसके ऊपर अभी कंट्रोल ना किया गया तो अगले 2 या 3 माह में मजीद इसके ऊपर अब खराबी देख रहे हैं? नहीं, बंद हो जाएगा काम, बंद करना पड़ेगा, जैसे पास में बंद किया गया इम्पोर्ट, बंद कर दिया गया, सही हो जाएगा, बंद किया सही हो गया था ना। हाँ, फिर प्रेशर डाला गया, खोलो। शेफर जैदी साहब ने जो बंद किया था सही किया था, वो क्यों किया था? उसकी रिफॉर्मेशन की जरूरत थी, वही तो बात हो रही थी, इसकी रिफॉर्मेशन की जाए। तो क्यों नहीं हुई रिफॉर्म? तो नहीं हुई इसके बाद फिर खोल जाएगा, प्रेशर पड़ा। हाँ, ये प्रेशर कहाँ से आता है? ट्रेड से आता है, हम आप और मैं कर रहे हैं, मीडिया करती है, मीडिया में मैं बुला के मैं शोर मचाता हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि गलत हो रहा है, जो गलत है उसको गलत कहने का करेज नहीं आएगा, ये मुझ सही नहीं होगा, मेरे हिसाब से या किसी भी शौरी आदमी से या बाहर जो भी बैठा हुआ है वो देख रहा है गलत हो रहा है। सही, जो एक्सपोर्ट कंट्री वो भी कह रहे हैं गलत हो रहा है। ऑप्शंस क्या है भाई? क्योंकि प्रोग्राम का वक्त में ऑप्शन ये कि हमें ऑप्शंस की बात करें, मुझे अभी स्टेट बैंक पेनलाइज कर सकता है, स्क्रूटनी कर सकता है। अगर आप बस ये पूछोगे ना, इस कंट्री को फुली पेनलाइज कर देना चाहिए, अगर इसकी स्क्रूटिंग की जाए, फिर आप ये कहेंगे कि जो लोगों ने माल मंगाया उनसे पूछा जाए ना कैसे मंगाया, मेरा वही तो सवाल है। और अगर जेन्युइन है तो क्लियर को छोड़ दीजिए, जो जेन्युइन इनको बंद कर दीजिए, कॉन्फिस्केट कर ले, ताकि आइंदा ये प्रैक्टिस ना हो। जब तक आप सजा नहीं दोगे तो कैसे मुल्क सही होगा? लेकिन जो गलत काम कर रहा है होगा, जो गलत काम कितनी बड़ी शरह होगी इस वक्त जो कंटेनर, अगर मैं समझूं 1000 कंटेनर्स पोर्ट पे हैं तो कितनी बड़ी शरह हो सकती है जो शायद आपको लगता है शायद प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं आया या उसमें कहीं ना कहीं कोई मैल प्रैक्टिस? देखिए, कम से कम इस मुल्क के पास $80 बिलियन होना चाहिए अगर आप इसको पूरा, अभी तो 8 बिलियन का मसला पड़ा, मैं आपको बता रहा हूं ना, बल्कि 2 बिलियन का ही बड़ा, 2 बिलियन इस वक्त पाकिस्तान जैसे मुल्क को, बांग्लादेश, हम रीजनली कम पे 70-80 बिलियन की इसकी जरूरत है इसको तरक्की याफ्ता करने में। आप और हम लगे रहे, कब तरक्की करेगा ये? जो ये 1000 कंट्री का जो ग्रुप है ना, इनको असेस कर लीजिए, इन्होंने इस तरक्की नहीं रोकी हुई है। मैं कहता हूँ इसी में से अल्लाह निकाल देगा। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके लिए? गवर्नमेंट अपना बदला ले सकती, सजा दे उनको, आगे बंद हो जाए मामला। और गवर्नमेंट किस तरह से कर सकती है? हमें बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कैसे बताएंगे? बताएंगे, आप आगे बनाएं, फोरम बनाएं इसका, अलाउ करें, आपके पास तो माशाल्लाह कैमरा भी, माइक भी। कंसल्टेंट्स के ग्रुप्स, कंसल्टेंट देखें, कंसल्टेंट गवर्नमेंट कंसल्टेंट जो हैं इस वक्त जितने इम्पोर्टर्स हैं, इनके क्या कंसल्टेंट नहीं है? सही है, बिल्कुल है। वो रास्ता क्यों दे रहे हैं इनको? उन कंसल्टेंट को भी पेनलाइज किया जिन्होंने इनको ये रास्ता दिखाया। FBR के साथ एक टीम बनाई जाए, गवर्नमेंट के साथ टीम बनाई जाए रिफॉर्मेशन की। और अगर इसको मैं कहूं, अगर एक पेपर वर्क तैयार कर लिया जाता है, चले इंप्लीमेंट भी कर दिया जाए, मैं खुश फहम हो जाता हूं कि पाकिस्तान में कोई पेपर वर्क तैयार हुआ और इंप्लीमेंट भी हुआ। सर होता है, एक्सपोर्ट में हुआ है ना, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये वाइस वर्सा आपका एक्सपोर्ट ग्रूम हुआ हुआ है। सही, एक्सपोर्ट मेहनत करता है, ये ड्रेन कर देते हैं, तो एंटी पाकिस्तान मूवमेंट है ये। चल मुझे बताए ना, एंटी पाकिस्तान है, मैं तो ये कहूंगा एंटी पाकिस्तान, आपका डॉलर ड्रेन करते हैं। सर मुझे समझा देना, अगर इसको मैं मफरूजे के ऊपर बात करता हूँ ना, हम तो खुश फहम लोग हैं, हम तो पॉजिटिव लोग हैं, मैं कहता हूँ ये हो गया और होने के बाद इम्प्लीमेंट भी हो गया, ये बिगाड़ जो 70-75 साल का बिगाड़ कितने अरसे में सुधर सकता है ये? सर ये आज बंद कर दें, कल ये डॉलर का रोना तो छोड़ देंगे, ये तकलीफ तो दूर हो जाएगी। बाकी मौजू अलग है, इस मौजू पर बात करें तो ये तो 1 महीने में रिपेयरेबल है, इसके लिए कोई हमने कहीं से अप्रूवल IMF से नहीं लेनी, ना यूनाइटेड नेशन से लेनी, ये तो हमने खुद करनी है। और अगर हम जब आपने कहा, एक और तजवीज ये भी हो सकती है कि कुछ अरसे के लिए इंपोर्ट रोक दी जाए, ये रोकी जा सकती है? रोकी ना जाए, इसको रिफॉर्मेशन की जरूरत, हम रोकने की कभी भी बात नहीं करेंगे। शेफर जैदी साहब ने जो किया था, अगर मैं आज से वो रोका इसीलिए था कि ये प्रॉब्लम में नहीं आता, रोक लिया, बट वो उस वक्त रोका तो क्या सही चीज को आज रेप्लीकेट किया जा सकता है? अभी जो रोका जाए फ्यूचर का, इसमें जो प्रायोरिटी है उसको ना रोका जाए,
ये रॉ मटेरियल्स हैं उसको ना रोके जाए। सर प्रायोरिटीज तो बदलती है ना, हम देखें अक्सर हम गवर्नमेंट की जानिब से कहते हैं ये लग्जरी आइटम है, ये नॉन लग्जरी आइटम है, ये एसेंशियल आइटम्स हैं। सर आईटीपी टेबल्स को रिवाइज करना पड़ेगा, ग्रीन चैनल्स एंड नॉन ग्रीन चैनल्स। सर ये रिवाइज होने का फिर रिवाइज हो जाते हैं ना दो महीने बाद, वो ना करने दिए फिर तो फिर आप रोते रहे ना। ये होता ही है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये जो टेबल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं असेंबली में ले जाए ना, इस पर्सन को नेशनल इंटरेस्ट में ले जाए, आप क्यों डोमेस्टिकली इसको चेंज कराते हैं, नेचुरल इंटरेस्ट का इशू है इस वक्त। आप खुद कह रहे हैं अगर एक बार असेंबली में ले जाया गया तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो होनी चाहिए वो भी फिर खत्म हो जाएगी ना। आमतौर पर किसी के मुल्क में अभी जो चेंज हो रहा है इसमें मुझसे और आपसे पूछा जा रहा है, सही बात है, किसी से पूछा नहीं जा रहा है, कब चेंज कर रहा है, कौन इसको रिमोल्ड करता है, किसी को नहीं पता चलता। चंद तबका जाके कस्टम को प्रेशर करके चेंज करा लेते हैं, कस्टम भी प्रेशर में आ जाता है। बिल्कुल सही, इसका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो या असेंबली तक जाए, क्यों चेंज किया जाए, इससे नेशनल इंटरेस्ट, जिस चीज से नेशनल इंटरेस्ट डैमेज होता है ना वही मसले असेंबली में जाते हैं, ये मसला असेंबली। मुझे सिर्फ ये बताएं कि प्रोग्राम क्लोज करना, मुझे बताएं इज इट अलार्मिंग एट राइट एट दिस स्टेज और ये कितना ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है अगर इसके ऊपर कंट्रोल ना हुआ तो। सर जला दो हजार कंटेनर, कोई अलार्मिंग नहीं, चलो मैं मुखालफत ले लूं मार्केट की। डिफाइन करना पड़ेगा, मैं आपको कोई एग्रेशन इंटरव्यू नहीं देना है, मैं हल की बात कर रहा हूँ, इसको रोका जाए, इसको रीअसेस किया जाए जो उतरे में, उसके बाद इनको एजुकेट किया जाए। सही, देखिए अगर किसी ने किया है तो एक एडवांटेज उठाया है ट्रेड में, देखिए एडवांटेज उठाए जाते हैं, टेक्निकल एडवांटेज है, अब रास्ते बंद कर दो अगली दफा नहीं उठाएगा वो ट्रेड। और मोस्टली एडवांटेजेस उठाने वाले कौन लोग होते हैं? देखिए एडवांटेज हर, मैं भी उठाऊंगा आप भी उठाओगे, रास्ता मिलेगा आप भी उठाओगे मैं भी उठाऊंगा, तो इसमें आप वो रास्ता डिफाइन तो करें ना, ये गलत है ये सही है। लूप होल जो लकुना तो हमारे हर कोई, देखिए ट्रैफिक लाइट तोड़ना अगर अनलॉफुल ना हो तो सब तोड़ दें। बिल्कुल सही, तो आप ट्रैफिक लाइट तो लगाओ ना, हमारे ट्रैफिक लाइट ऑरेंज पे रखी हुई है, हमारे ट्रैफिक लाइट में लाल और हरे का बटन नहीं है, नहीं है सिर्फ ऑरेंज। आपने जवाब दे दिया, तो यहाँ पे इस इम्पोर्ट को क्लासिफाइड करना पड़ेगा। आप मुझे बताएं पाकिस्तान, मुझे ये बताएं कि अगर ना हुआ, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि फिलहाल नहीं हुआ और अभी अगर नहीं होता अगले कुछ और दिन तक तो ये किस नहज पे हम जाते दिखाई दे रहे हैं? इससे क्या आप इसको इकोनॉमी इंडिकेटर पे क्यों ले जा रहे हैं, इम्पोर्ट क्यों अलार्म कर रहे हो, मुझे तो ये समझ में नहीं। मैं नहीं लेके जा रहा ना, कौन लेके जा रहा है, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, ये तो जबान से आम हो रही है, ये तो नेशनली प्रिंट हो रहा है, इंटरनेशनली इसके ऊपर बात की जा रही है कि पाकिस्तान में अपना इंपोर्ट किया हुआ माल वो खरीदने की उसको क्लियर करने की पैसे नहीं मौजूद, तो इसका तासुर तो गलत जा रहा है ना। फिर मुनीर आप उस क्वेश्चन को घुमा के फिर मेरे पहले क्वेश्चन पे आया, मैं कह रहा आया कैसे, वो बात आप नहीं सही, लेकिन बात वही है, बात भी तो जो टेक्निकली जो इशू आप फेस कर रहे हैं उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना, और अगर इसको मजीद कुछ और दिन अगर ऐसे ही रहने दिया। आपका सवाल वैलिड नहीं है, मैं ये चले मैं कहता हूं ये जो भी सिचुएशन है आ गया जैसे भी आ गया, क्योंकि जैसे कैसे आ गया भाई, सर अब आ गया ना, आपके पोर्ट पे एक खुद कुछ बम यहां रखा हुआ तो आप बोले आ गया फटने दो, आप वो बात कर रहे हो, ये खुद आ गया ना सर, मुझे ये बताइए इसका क्या किया जाए, ये आ गया ना, हाँ कोर्ट है इसको क्लियर कर दिया जाए, आगे के लिए रोक दिया जाए। मैं अभी इस पे कोई जवाब नहीं दूंगा, अगर मैं कोई हजार नहीं पता ही इसमें है क्या क्या, चले मैं एक मफरूजे की बात करता हूं, डेटा इसमें 80% अच्छी चीजें हैं जो पाकिस्तान की जरूरत है, छोड़ दे, अगर इसको क्लियर करके आगे के लिए रोक दिया जाए तो बेहतर हो सकता है, बेहतर हो सकता है, इसको क्लियर करने की पोजिशन में पाकिस्तान है नहीं, तो फिर ये क्या मसला हल होगा, जिसका नहीं होगा जो जिसको कर सकते हो, जो हल दे जिसकी ट्रेड है वो हल दे अपना, जिस मार्केट का मेरा सवाल इस वक्त रखी हुई है ना कि जो अगर इस वक्त मैं ये बात करूं कि इनको क्लियर करके पीछे जो मामला था उसको कैसे करोगे आप, क्यों कर रहे हम किसी का मलबा क्यों ले रहे हो, मेरा कहना है उस बैंकों ने छोड़ा कैसे उसको, बेचा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो इस बात पर आऊंगा ही नहीं, आप किसी का मलबा मैं क्यों उठाऊं, जब हमारी बातों को उछाला जा रहा है इंटरनेशनली तो उन बैंकों ने छोड़ा कैसे इसका रोक में, फिर तो उसकी स्क्रूटिंग की जाए ना, उन बैंकों से पेनलाइज किया जाए, IMF हमें पेनलाइज नहीं करती, फिर हमें माफ करके एहसान करती है, करती है ना, तो हम भी उनको पेनलाइज करें फिर माफ कर देंगे फिर हम करें, मेरा ये कहना है उन बैंकों को पेनलाइज किया जाए इंटरनेशनली कि उन्होंने फ्रॉड एंड गेम किया, कैसे छोड़ा वहां से कंटेनर, कैसे शिपिंग लाइन को पेनलाइज किया जाए, फिर माफ करने वाला हमारे हाथ में होना चाहिए, वो छड़ी माफ वाली हमारे हाथ में, हर दफा हम माफी मांगे, ये मुल्क माफी मांगने के लिए पैदा हुआ। और आपको लगता है कि ये काम करने की मसल्स हैं इस गवर्नमेंट के पास, है गवर्नमेंट कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, साठ सब करेंगे, मैं सरदार की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान कर सकता है,
मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद पंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीन तौर पर इस वक्त ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है और हम हर रोज ये बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है, ये डिफॉल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिजर्व्स की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें तो बहुत कम वक्त में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। और जो इस वक्त माशी सूरत हाल जो हम देखते हैं कि खराब है, बहुत बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ने की बात करें, ये रिसर्च भी इस वक्त सामने आ रही है, इसको गुज़श्ता दिनों फवाद चौधरी साहब ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कोट किया, तो ये सारे मामला हल किए जा सकते हैं। बस जरूरत किस बात की है कि एक बेहतर डायरेक्शन और विलिंगनेस हो। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।